आप लोग एक अच्छा लैपटॉप बाय करना चाहते हैं और आप सबका बजट अबाउट 20,000 है और आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा लैपटॉप बाय करें जो सबसे ज्यादा बेस्ट हो और आप सबके लिए वैल्यू फॉर मनी हो, क्योंकि मार्केट में आप लोग को अंडर 20,000 काफी सारे लैपटॉप देखने को मिल जाएंगे, लेकिन वे सब लैपटॉप आप सबके लिए वैल्यू फॉर मनी है या फिर नहीं, आप सबके लिए बेस्ट है या फिर नहीं, तब बने रहिएगा। इस वीडियो में मैं आप लोग को अंडर 20,000 टॉप 3 लैपटॉप के बारे में बताने वाला हूँ जो कि काफी बेस्ट है और आप सबके लिए वैल्यू फॉर मनी भी रहेगा, जिसमें आप लोग ऑनलाइन क्लासेस, ऑफिस वर्क, बिजनेस वर्क, नॉर्मल एडिटिंग, नॉर्मल गेमिंग, कोडिंग, इस प्रकार के सभी टास्क आप लोग इजिली कर पाएंगे। तो गाइस बिना किसी देर के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले सभी लैपटॉप और कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस अगर बात कर ले अंडर 20,000 के फर्स्ट लैपटॉप की, तो फर्स्ट लैपटॉप एसर ब्रांड की तरफ से एसर एक्सटेंसा 15 पेंटियम क्वाड कोर है और इसका करंट प्राइस 23,800 रुपये है। अभी फ्लिपकार्ट पर बिग बजट धमाल का सेल चल रहा है, अगर आप लोग यहाँ पर ऑफर वगैरह लगाते हैं तो अप टू 2,000 का डिस्काउंट भी आप लोग को देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 4.2 का इसे रेटिंग भी मिला हुआ है, तो गाइस रेटिंग भी काफ़ी अच्छा खासा इसे मिला हुआ है। अगर बात कर ले इस लैपटॉप के स्पेसिफिकेशन की, तो इसमें आप लोग को 15.6 इंच का HD बैक लाइट डिस्प्ले देखने को मिलेगा गाइस, जो कि काफ़ी बेस्ट है, और ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो देखने को मिलने वाला है, विंडो 10 होम आप लोग को यहाँ पर प्री इंस्टॉल देखने को मिल जाएगा। इसके साथ ही अगर बात कर ले इसके रैम और स्टोरेज की, तो इसमें आप लोग को DDR4 का 4 GB का रैम और 256 GB का SSD स्टोरेज देखने को मिलने वाला है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। अंडर 20,000 आप लोग को 256 GB का SSD स्टोरेज देखने को मिलने वाला है। गाइस अगर बात कर ले इसके प्रोसेसर की, तो इसमें आप लोग को इंटेल का पेंटियम क्वाड कोर N5030 का प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है, जिसका फ्रीक्वेंसी स्पीड 3.10 GHz है, जो कि गाइस काफ़ी बेस्ट है। इसमें आप लोग को इंटेल का इंटीग्रेटेड ग्राफिक मेमोरी भी देखने को मिल जाएगा, तो गाइस काफ़ी बेस्ट लैपटॉप है। अगर आप लोग अंडर 20,000 कोई लैपटॉप बाय करना चाहते हैं तो गाइस मैं आप लोग को रिकमेंड करूंगा आप लोग एसर का ए वाला लैपटॉप जरूर से बाय करें, गाइस काफ़ी बेस्ट लैपटॉप है। इसमें आप लोग को बैटरी बैकअप 6.5 आवर का देखने को मिल जाएगा, तो गाइस काफ़ी बेस्ट लैपटॉप है। डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे रखा है, आप लोग वहां से जाकर इसे भी चेकआउट कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर बात कर ले अंडर 20,000 के सेकेंड लैपटॉप की, तो सेकेंड लैपटॉप इन्फिनिक्स ब्रांड की तरफ से इन्फिनिक्स इनबुक X1 नियो सीरीज है और इसका करंट प्राइस 20,990 रुपये है, और गाइस आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 4.2 का इसे भी रेटिंग मिला हुआ है, जो कि गाइस काफ़ी बेस्ट लैपटॉप है। अगर आप लोग यहाँ पर भी ऑफर वगैरह लगाते हैं तो अप टू 2,000 का डिस्काउंट आप लोग को देखने को मिल जाएगा। इसके साथ ही अगर बात कर ले इसके स्पेसिफिकेशन की, इसमें आप लोगों को 14 इंचेस का फुल HD IPS टेक्नोलॉजी वाला 300 nits के ब्राइटनेस के साथ देखने को मिल जाएगा, जो कि गाइस काफी बेस्ट है। अंडर 20,000 फुल HD डिस्प्ले आप लोगों को देखने को यहाँ पर मिलने वाला है और ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो देखने को मिलने वाला है, विंडो 11 होम आप लोग को यहाँ पर प्री इंस्टॉल देखने को मिल जाएगा। इसके साथ ही अगर बात कर ले इसके रैम और स्टोरेज की, तो इसमें आप लोग को DDR4 का 4 GB का रैम और 128 GB का SSD स्टोरेज देखने को मिलने वाला है। इसके साथ ही अगर बात कर ले इसके प्रोसेसर की, तो इसमें आप लोग को इंटेल का सेलोरॉन क्वाड कोर N5100 का प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है, जिसका फ्रिक्वेंसी स्पीड 2.8 GHz है, जो कि गाइस काफ़ी बेस्ट है। यहाँ पर आप लोग को प्रोसेसर भी काफ़ी तगड़ा देखने को मिलने वाला है अंडर 25,000, तो गाइस काफ़ी बेस्ट लैपटॉप है। इसके साथ ही अगर बात कर ले इसके बैटरी बैकअप की, तो इसका बैटरी बैकअप अप टू 11 आवर कंपनी की तरफ से दिया गया है, बट मेरे हिसाब से आप लोगों को 7 से 8 घंटे का बैटरी बैकअप बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। इसमें आप लोगों को टाइप सी का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा, और अगर बात कर ले इसके वेट एंड डिजाइन की, तो इसे थीन एंड लाइट डिजाइन किया गया है और इसका वेट अबाउट 1.4 kg है, जो कि गाइस काफ़ी बेस्ट है। तो गाइस अगर आप लोग अंडर 20,000 कोई लैपटॉप बाय करना चाहते हैं तो मैं आप लोग को रिकमेंड करूंगा आप लोग ये वाला लैपटॉप भी जरूर से बाय करें, गाइस ये भी लैपटॉप काफ़ी बेस्ट है। तो गाइस डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे रखा है, आप लोग वहां से जाकर इसे भी चेकआउट कर सकते हैं। अगर बात कर ले अंडर 20,000 के थर्ड लैपटॉप की, तो थर्ड लैपटॉप लिनोवो ब्रांड की तरफ से लिनोवो V15 है और इसका करंट प्राइस 19,990 रुपये है। गाइस ए भी लैपटॉप काफ़ी बेस्ट है। अगर बात कर ले इसके स्पेसिफिकेशन की, तो इसमें आप लोगों को 15.6 इंचेस का HD एंटीग्लेयर डिस्प्ले और ऑपरेटिंग सिस्टम डच देखने को मिलने वाला है। आप लोग यहां पर विंडो नहीं देखने को मिलेगा गाइस, अगर आप लोग विंडो का लैपटॉप बाय करना चाहते हैं तो आप लोग वीडियो को स्किप कर दीजिएगा, मतलब इस लैपटॉप को स्किप कर दीजिएगा, बाकी दो लैपटॉप जो मैंने बताया आप लोग उनमें से बाय कर लीजिएगा, और अगर जिन लोग को डच पसंद है गाइस तो आप लोग इस लैपटॉप को बाय कर सकते हैं, काफ़ी बेस्ट लैपटॉप है।
इसमें आप लोगों को DDR4 का 4 GB का रैम और 256 GB का SSD स्टोरेज देखने को मिलने वाला है। और थीन एंड लाइट इसे डिजाइन किया गया है और इसका वेट अबाउट 1.85 kg है, जो कि गाइस काफी बेस्ट है। तो गाइस अगर आप लोग अंडर 20,000 कोई लैपटॉप बाय करना चाहते हैं डज ऑपरेटिंग सिस्टम वाला, तो आप लोग इस लैपटॉप को बाय कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका भी लिंक दे रखा है, आप लोग वहां से जाकर इसे भी चेकआउट कर सकते हैं। तो गाइस अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ा भी पसंद आया रहेगा, वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।